द आर्डिनो ट्यूटोरियल नंबर 2। लास्ट टाइम हमने देखा था कि ये आर्डिनो क्या है, और हमने देखा था कि इस आर्डिनो बोर्ड को हम अपने कंप्यूटर के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और इस आर्डिनो बोर्ड में पावर सप्लाई कैसे दे सकते हैं। और हमने लास्ट टाइम एक छोटा सा एलईडी ब्लिंकिंग का जो है प्रोग्राम देखा था, वो इस एलईडी पे कैसे इम्प्लीमेंट होता है इस आर्डिनो बोर्ड से। तो आज हम इस ट्यूटोरियल में हम दिखाएंगे आपको कि आप इस आर्डिनो बोर्ड से एक से ज्यादा एलईडीज को कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो अपनी मर्जी के हिसाब से, जैसा आप चाहते एलईडीज पे कंट्रोल रखना किस टाइम पे कौन सा एलईडी जले और कितनी टाइम तक वो जलता रहे। और इसी तरीके से हम एक एलईडीज जो है सीरीज में लगाएंगे और हम दिखाएंगे आपको कि हर एक एलईडीज पे हम अपनी मर्जी के हिसाब से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो गाइज अब हम देखेंगे कि आर्डिनो की प्रोग्राम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम आर्डिनो का सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे। और अब हम देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे दो फंक्शंस बाय डिफ़ॉल्ट आ रहे हैं, तो वॉइड सेटअप और वॉइड लूप। वॉइड सेटअप में क्या होता है कि हम पिन मोड को इनिशियलाइज़ करते हैं कि कौन से पिन मोड पे हमें आउटपुट चाहिए, और वाइड लूप में क्या है कि उस पिन मोड पे हम कौन से कंट्रोल्स रख सकते हैं, कब उसको हाई करेंगे लो करेंगे कितना डिले देंगे, तो ये सब जो है वाइड लूप में होता है। तो चलिए अब हम देखेंगे कि ये कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम पिन मोड को कॉल करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि जो जब हम पिन मोड लिखेंगे तो M कैपिटल होना चाहिए और यहाँ पे ब्रेसिस सेमी कॉलन पिन नंबर 13। सपोज आप कोई भी पिन नंबर यहाँ से ले सकते हैं, मैं अभी 13 ले रहा हूँ और इस पे मुझे चाहिए आउटपुट यहाँ पे कैपिटल लिखना होगा। आउटपुट अब चलते हैं void लूप में। तो इस पिन नंबर 13 जो से जो हमने आउटपुट लिया, तो इस आउटपुट पे हम कौन सा कंट्रोल रखेंगे। सबसे पहले हम डिजिटल राइट लिखेंगे, डिजिटल राइट, लेकिन यहाँ भी ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे जब हम W लिखेंगे वो भी कैपिटल होना चाहिए। डिजिटल राइट फंक्शन ब्रेसिस और 13 पे हम कौन सा कंट्रोल रखेंगे, पहले हाई मतलब यानी पिन नंबर 13 से आउटपुट मिलेगा। और आउटपुट कब तक मिलेगा, इसके लिए हम डिले का फंक्शन लगा देंगे, यानी डिले का मतलब कि हम कब तक इस पिन नंबर 13 से जो आउटपुट मिलेगा वो कितने टाइम तक रहना चाहिए, इसके लिए हम डिले का फंक्शन लगा देंगे डिले, और डिले हम 1 सेकेंड का लिखेंगे, सॉरी 1 सेकेंड। ये मैंने यहाँ पे 1000 लिखा क्योंकि प्रोग्रामिंग में जो टाइमिंग का डिले होता है वो मिलीसेकंड्स में होता है, तो ये मैंने 1 सेकेंड का डिले यहाँ पे दिया। उसके बाद मैं लिखूँगा डिजिटल राइट थर्टीन लो, डिले थाउजेंड। जैसे आप देख सकते हैं मैंने पहले डिजिटल राइट लिखा, यानी पिन नंबर 13 से जो मैंने आउटपुट लिया उसको मैं हाई करूंगा, यानी उस पे उससे आउटपुट आएगा। और आउटपुट कब तक आएगा उसके लिए मैंने डिले का फंक्शन दिया कि 1 सेकेंड तक वो आना चाहिए। उसके बाद मैंने डिजिटल राइट लिखा, तो डिजिटल राइट में क्या है उसमें मैंने लो लिखा, यानी कि जब 1 सेकेंड हो जाएगा 1 सेकेंड के बाद वो ऑफ हो जाएगा, वो ऑफ कब तक रहेगा, एक सेकेंड तक। इसके नीचे जो मैंने डिले लिखा है वो ऑफ के लिए है। तो टोटल क्या हुआ कि ये जो लूप में मैंने प्रोग्राम लिखा
वो एक सेकंड के लिए ऑन हो जाएगा और एक सेकंड के लिए ऑफ हो जाएगा। और ये कब तक रहेगा, ये कंटिन्यू लूप में रहेगा। जब तक आर्डिनो बोर्ड में पावर रहेगा तब तक ये लूप कंटिन्यू चलता रहेगा। तो अब हम इस प्रोग्राम को क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को हम अपलोड करेंगे आर्डिनो बोर्ड पे। इसका नाम हम लिखेंगे सपोज 11। पहले कंपाइल हो रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डन अपलोडिंग आ गया, यानी कि हमारे आर्डिनो बोर्ड पे ये प्रोग्राम बर्न हो चुका है। तो अब हम देखेंगे कि ये कैसे वर्क करता है, चलिए देखते हैं। ओके, तो चलिए अब हम देखेंगे कि ये एलईडी कैसे ग्लो करेगा। तो इस एलईडी को मैंने यहाँ पे ब्रेडबोर्ड में लगा दिया और आर्डिनो से एक ग्राउंड से मैं एक आउटपुट लूँगा और पिन नंबर 13 से, क्योंकि हमने प्रोग्राम में जो है पिन नंबर 13 से आउटपुट लिया था। ओके, तो आप देख सकते हैं कि ये एलईडी कैसे एक सेकंड के लिए ग्लो करता है और एक सेकंड के लिए ऑफ हो जाता है, क्योंकि हमने प्रोग्रामिंग में इसको ऐसे ही कॉन्फ़िगर किया था, ऐसे ही हमने इसको कंट्रोल दिया था कि एक सेकंड के लिए ऑफ हो जाएगा और एक सेकंड के लिए ऑन हो जाएगा। ओके, तो अब हम देखेंगे कि हम एक साथ एक से ज़्यादा एलईडीज को कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। ओके, तो अब हम देखेंगे कि हम एक से ज़्यादा एलईडीज को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए जो मैंने प्रोग्राम लिखा है अभी, इसमें मैंने 7 आउटपुट लिए हैं, पिन मोड 7 से लेकर पिन मोड 13 तक, ये 7 एलईडी आउटपुट मैंने लिए है आर्डिनो बोर्ड से। तो इसका मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो मैंने अभी प्रोग्राम लिखा है, इसका जो आउटपुट होगा एलईडीज का वो कैसा होगा, चलिए मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आर्डिनो से जो पिन नंबर 7 से लेकर पिन नंबर 13 तक मैंने यहाँ से आर्डिनो से आउटपुट लिया है, और ये येलो कलर की जो आप वायर देख रहे हैं ये ग्राउंड की है। यहाँ पे मैंने 7 एलईडीज को इस तरीके से ब्रेडबोर्ड पे रखा है और मैंने हर एक एलईडी का यहाँ पे एक रजिस्टर लगाया है। तो आप देख सकते हैं कि जो मैंने अभी बर्न किया आर्डिनो बोर्ड में वो प्रोग्राम वो कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है इन एलईडीज पे। Like the video, share and subscribe. Thank you.